बढ़ते अपराध के लिए जिम्मेदार नशा नाश की जड़, नशे की लत अपराधों को भी जन्म दे रही है। शहर और देहात में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिससे पुलिस की भी चिंता बढ़ रही है। नशे के साथ साथ इससे होने वाले अपराधों पर भी लगाम कसना पुलिस के लिए चुनौती है। हाल ही में शहर और देहात में नशे करने वाले कई युवा चोरी, हत्या, लूट जैसे वारदात में पकड़े जा चुके हैं। जांच में भी सामने आया है कि नशे की लत पूरा करने के लिए वारदात करते हैं। ऐसा नहीं है कि वारदात करने वाले गरीब होते हैं, कई मामलों में बड़े घर के युवकों की संलिप्तता भी सामने आ चुकी है। इन अपराधियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं होता, इस वजह से किसी को इनकी कारगुजारियों पर शक भी नहीं होता। शहर और देहात में नशे की लत के लिए अपराध करने वाले बढ़ रहे हैं, जिसे लगाम लगाने के लिए बालोद पुलिस कमर कसकर चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। आज हर गली मोहल्ले में सुनी जगह पे, चाहे डैम के किनारे हो, चाहे कोई क्लब हो, चाहे टॉकीज हो, वहाँ पर आपको छोटे छोटे बच्चों को नशा करते हुए हम आज देखते हैं। वह देख करके हमें बहुत दुख होता है कि आज बच्चे किस कगार पर खड़े हुए हैं। आज नशे से लत हैं, अल्कोहल उनके शरीर में दौड़ने लगा है। आजकल के बच्चों के, युवाओं के, वो नशे को मतलब कई रूप से ले रहे हैं, चाहे वो इंजेक्शन के रूप में ले रहे हैं, चाहे गोलियों के रूप में ले रहे हैं, चाहे शराब के रूप में, चाहे सिगरेट के रूप में, चाहे गांजे के रूप में। पर वो नशा आज का बच्चा जो है नशे की ओर इतना मतलब लुप्त हो गया है कि वह देख कर आज जैसे हम जैसी माताओं को लगने लगा है कि कहीं ये हमारे बच्चों के ऊपर इसका क्या असर। पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन पे नशे के संबंध में सभी को जागरूक किया जा रहा है कि नशा और मदरा जो है उसको लेकर थोड़ा सा अवेयरनेस आए। साथ ही यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो नशे में संलिप्त है या जिनों की संलिप्तता है उन पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही सबको जागरूक किया जा रहा है इस संबंध में, इसमें प्रयास है पुलिस अधीक्षक महोदय का दिशा निर्देशन पे, जो कि दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उसके विधि सम्मत करने की जा रही है। बालोद से KP चंद्राकर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।